और जब हम ऑर्डर ही करेंगे, जब हम ओएस जुड़ेंगे तब क्या करेंगे फ्रेंड, हम हमारा जब फ्रंट और बैक स्टिच हो जाएगा, तब जब फाइनल स्लिप्स लगाने से पहले हमको क्या करना है, अगर ये ओएस का मेजरमेंट लेकर हम दिखाएंगे, हम जैसे कि हम तो ये ऑर्डर ही कर रहे हैं वो हम दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए वो बात हम बाद में समझाएंगे। और हमारा कुछ नहीं चाहिए, ऊपर का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा में फ्रेंड और एक चीज हमारा रह गया है, तो ये देखिए हमारा नेक किस तरीका से हम काटेंगे फ्रेंड। ये देखिए नेक हमारा फ्रेंड 15 इंच, यानी कि 1/3 ऑफ नेक, यानी कि 15 इंच को 3 डिवाइड करें यानी कि 5 होता है। ये देखिए 5, ये देखिए 5, तो ये इस तक मार्क है हमारा। अब हमें क्या करना है, ये गले जिस तरीका से दिख रहा है फ्रेंड, हमें उसी हिसाब से ये ठीक है, इसी हिसाब से हम इसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हम बढ़ा देते हैं इसे। ये देखिए शेप हो गया। और फ्रंट में अब हमें क्या करना है, फ्रंट में हमें डिजाइन करना है। ठीक है, वो तो हमें तो नेक का तो पता चल गया है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिजाइन बनाना है हमें। तो और हम क्या करते हैं, हम इसे डिजाइन करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि ये डिजाइन में है फ्रेंड, ये जो बास्ट का जो पोजीशन है थोड़ा सा और भी नीचे में रखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर दे दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा नीचे आप लोग कर सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, हम इसे थोड़ा सा कम कर देंगे और उसके बाद इसे ऐसे देंगे, इधर नीचे नीचे से सीम्स होगा। ठीक है, इसके लिए हम इसे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम बास्ट को नीचे ही कर देते, थोड़ा सा हम नीचे और कर देते, ये अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये देखिए ये अच्छा दिखेगा। ठीक है, और ये हमारा जो पोजीशन है इसको ऐसे ही रखे हम। ठीक है, इसको ऐसे रखे। ठीक है, तो ये बहुत सारा ड्रॉ लाइन कर रहा है, तो फ्रेंड ये पैटर्न जब बनाने के बाद ऐसा दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए मैं दोबारा आपको रेड कली से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये हमारा फाइनल ड्रॉ किया लाइन है ये। ठीक है, ये एक लाइन है और ये लाइन है, मैंने इस तरह किया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ तो रहे हैं ये सब। ये देखिए हमारा फाइनल लाइन है। तो चलिए अब हम इसको कटेंगे, और कटने के पहले फ्रेंड ये तो हम फ्रंट कटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा हम शेप दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम शेप दे देंगे। और थोड़ा सा शेप दे देंगे। और अंजू जी, मैं आप लोगों को आपको एक और भी बात में बता दूं, तो फ्रेंड मैंने शोल्डर डाउन किया है, हाफ इंच किया है, मेरे ख्याल से हाफ इंच से थोड़ा सा ज्यादा आप कम लेंगे, मैंने यानी कि बढ़ा देंगे, यानी कि मैंने तो हाफ इंच किया है, आप अगर 1 इंच माइनस करें तो शोल्डर तो ये अच्छा रहेगा। ये हम कर सकते हैं, ये हम फिगर देख के हम कर सकते हैं, तो हमारे पास तो ये मॉडल नहीं है। चलिए और कुछ काम नहीं है, अब हम इसको कटेंगे।
देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटिंग हो गया। अब हमें ये फाइनल कटिंग चाहिए। हमें ये देखिए, तो इसमें ये पार्ट को हमें तो फ्रंट का पार्ट है फ्रेंड, ये हमें फोल्ड चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, ये देखिए इस जगह को। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, अगर आपका बास्ट अगर ज्यादा नॉर्मल से थोड़ा सा अलग बड़ा है तो आपको क्या करना है ना, इस जगह को इसी तरह आप लोग बड़ा ले सकते हो, थोड़ा सा स्केट भी ले सकते हो। ठीक है, इसी जगह में आप ले सकती है। और मैंने फ्रंट का जब पार्ट पैटर्न काट रहा था, थोड़ा सा हाफ इंच मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया इसमें। ठीक है, तो ये लेना पड़ता है हमें, तो क्योंकि फ्रेंड जब हमारा ये फ्रंट स्टिच होता है तो बास्ट का वॉल्यूम के लिए ये हमें लेना पड़ता है, हाफ इंच बड़ा लेना पड़ता है। कभी कभी हम नहीं लेते, जैसे कि जो फिगर हम दिखता है उसी हिसाब से हम ये तय करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, ये पार्ट का सेकंड हो गया। और हमेशा की तरह इधर भी एक साइन देना है आपको, फोल्ड। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा, ये पार्ट तो नहीं चाहिए हमें, एक पार्ट हो गया फाइनल। और दूसरा पार्ट हमें चाहिए, दूसरा ये भी फोल्ड चाहिए हमें। इसे कुछ नहीं करना है, इसे जैसा है वैसा ही रखना है फ्रेंड हमें। ठीक है, और ये नेक को और आप और भी क्लोज अगर करें तो कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो इस तरह रखा है, आप इधर भी कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसे करेंगे तो ये देखिए हम जैसे कि ये जो देख रहे हैं ना, ये गले का जो पोजिशन है फ्रेंड, तो ये हम ऐसे रखते हैं। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, इस डिजाइन का जो नेक है ना, जैसे कि ये वाला जो कलर उठा है ना इसमें, तो ये कलर को अगर आप थोड़ा सा कम कर दे, यानी कि क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ये कम दिखेगा और इधर से ये ऐसा शेप दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें कोई बात नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंजू जी में आप लोग अगर जितना चाहे इसे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सभी फ्रेंड को मैंने दिखा दिया कि ये काम होकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है हमारे स्टिच करने से। तो इसे क्या करना है फ्रेंड, आपको बढ़ाना है। तो क्यों बढ़ाना है, तो मैंने ये देखिए, मैंने इस पार्ट जब कटिंग किया था तब ये कोई एक्स्ट्रा सीम्स नहीं लिया है, मगर इसमें हम लेंगे फ्रेंड, क्योंकि तो ये तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, अंदर चला जाएगा, इसके लिए हम लेंगे, हम इसे लेंगे क्या, हम चला जाएगा ये, हम 0.75 एक्स्ट्रा लेंगे हम इसे। ये देखिए 0.75 इसे हम एक्स्ट्रा ले लिया। इस पार्ट को मैंने एक्स्ट्रा ले लिया फ्रेंड। ठीक है,
क्योंकि जब हम उस पार्ट को हम कॉर्ड लगाएंगे तब ये बड़ा चाहिए हमें, ठीक है, इसलिए इस पार्ट को बड़ा किया है मैंने। और शोल्डर डाउन को आप क्या कर सकते हो, वन इंच कर सकते हो, कभी कभी हम डेढ़ इंच करते हैं शेप, ठीक है, ये फिगर के हिसाब से करना पड़ता है, कभी कभी हम हाफ इंच भी करते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया, इसमें हम फोल्ड लिखेंगे इस तरह, ठीक है, और एक पार्ट हमें चाहिए फ्रेंड। चलिए इसका फटा देते हैं, जगह को क्लियर करते हैं, और ये सिंगल वाला पार्ट हम ऐसे ही लेंगे, दो पार्ट हमें चाहिए इसे।